स्वाद, वो रस,
रस में किसका गुण है? सुगंध द्रव्य का गुण है। घ्राण इंद्रिय के माध्यम से सुगंध अथवा दुर्गंध का ज्ञान है, तो गंध भी किसका गुण है? उद्गल द्रव्य का गुण। चक्षु के माध्यम से हम देखते हैं, तो जो वर्ण है रंग है वो भी किसके गुण है? उद्गल के गुण। माने एक ही इंद्रिय का जो विषय है, कर्ण इंद्रिय का विषय शब्द ध्वनि, ये भी उद्गल की पर्याय, तो हर इंद्रिय का जो विषय है वो उद्गल द्रव्य के गुण है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इंद्रियों के माध्यम से मात्र उद्गल को ही जाना जा सकता है, आत्मा को नहीं जाना जा सकता। क्यों नहीं जाना जा सकता है? आत्मा अमूर्तिक है, आत्मा में स्पर्श नहीं है, तो स्पर्श इंद्रिय का रोल खत्म हो गया। आत्मा में गंध नहीं, घ्राण इंद्रिय का रोल खत्म हो गया। रस नहीं है, रसना इंद्रिय का रोल खत्म हो गया। वर्ण नहीं है, चक्षु इंद्रिय का कोई रोल नहीं है, और ध्वनि आवाज नहीं है, कर्ण इंद्रिय का भी कोई रोल नहीं। माने पांचों इंद्रियां मात्र उद्गल को जानने में सहायक है, आत्मा को जानने में पांचों इंद्रियों का कोई भी रोल नहीं। क्या इंद्रियां मात्र ज्ञान में ही निमित्त है? प्रश्न समझ में आ रहा है? क्या इंद्रियां मात्र ज्ञान में ही निमित्त है, या इनके माध्यम से कुछ और भी कार्य होता है? इंद्रियों से मात्र जाना जाता है या कुछ और भी किया जाता है? पैतालीस डिग्री का टेम्परेचर हो, भरी गर्मी में आपको बाहर खड़ा कर दिया जाए, तो उस गर्मी को आप सिर्फ जानते हो या उस गर्मी को अनुभव भी करते हो? दो चीजें है, एक तो उस गर्मी का ज्ञान और दूसरा उस गर्मी का वो अनुभव। तो इंद्रियों की सहायता से ज्ञान तो होता ही है, लेकिन वो भोग भी होता है, यानी इंद्रिय भोग कहा जाता है। तो जब हमने इंद्रिय ज्ञान की तुच्छता की बात समझी थी, तब तो हमने समझा था कि जिस तरह इंद्रिय भोग तुच्छ है, जिस तरह इंद्रिय भोग छोड़ने योग्य है, उसी तरह इंद्रिय ज्ञान भी छोड़ने योग्य है। तो यहाँ भी जो प्रश्न किया जा रहा है, क्या इंद्रिया मात्र ज्ञान में ही निमित्त है? ज्ञान में तो निमित्त है, लेकिन उनके भोगने में भी निमित्त होती है। ठीक है, माने ठंडी लगी, गर्मी लगी तो ठंडा पानी पिया, तो ठंडे पानी का ज्ञान हुआ और ठंडे पानी का जो अनुभव हुआ, उससे जो हमने सुख की कल्पना की, वो भी किसी कोई स्पर्श इंद्रिय के निमित्त से की, रसना इंद्रिय के निमित्त से की। तो इंद्रियों के संबंधी जो भोग है, उनमें भी पांचों इंद्रिया सहायक होती है। यदि इंद्रिया ज्ञान में मात्र निमित्त है, तो जानता कौन है? प्रश्न में ही उत्तर है कि यदि इंद्रिया मात्र निमित्त है, फिर जानने वाला कौन है? कि मैं स्वयं जानने वाला, क्योंकि जानने की जो शक्ति ज्ञान गुण वो मेरे अंदर पाया जाता है, इन पांच इंद्रियों में ज्ञान गुण नहीं पाया जाता। तो जानने वाला कौन है? जानने वाला मैं स्वयं। इंद्रिय ज्ञान कुछ क्यों निमित्त मात्र तो क्या दिक्कत है? निमित्त मात्र तो और अच्छी बात है, इंद्रिय हमारे में कुछ नहीं करती, हम इंद्रियों में कुछ नहीं करते। इंद्रिय ज्ञान क्यों तुच्छ है? क्योंकि उससे अपना हित नहीं होता। अपना हित नहीं होता, अपना हित कैसे नहीं होता है? अपना हित आत्मा को जानने में, कि अपना हित अपने आप को जानने में है, और इंद्रियों के माध्यम से उद्गल का ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। तो उद्गल का ज्ञान आत्मा से और दूर ले जाने वाला ज्ञान है,
इसलिए इंद्रिय ज्ञान भी तुच्छ ज्ञान है, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से आत्मा को नहीं जाना जा सकता है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान भी इंद्रिय रूप के समान तुच्छ ही है। ठीक है, इस प्रकार की चर्चा इस इंद्रिय पाठ के संबंध में हमने की थी। अब अगले पाठ की ओर हम आगे बढ़ते हैं। पाठ पांचवा, सदाचार। सदाचार इस पाठ में मुख्य रूप से भक्ष अभक्ष का विचार किया गया है, कौन से पदार्थ सेवन करने योग्य है और कौन से पदार्थ सेवन करने योग्य नहीं। देखिए, दो मित्रों में आपस में संवाद है, सुबोध और प्रबोध। सुबोध कहता है, क्यों भाई प्रबोध, कहाँ जा रहे हो? चलो आलू चौराहे पर आलू की चाट खाएंगे, बहुत दिनों से नहीं खाएंगे। दो मित्र हैं आपस में बात कर रहे हैं, चलो आज तो संडे है, फ्री है, कुछ घूम फिर आते हैं, चलो आज तो चौराहे पर आलू की चाय खाएंगे। चौराहे पर और आलू की चाय, हमें कोई भी चीज बाजार में नहीं खाना चाहिए, और आलू की चाट भी कोई खाने की चीज है? याद नहीं, पर गुरु जी ने कहा था कि आलू तो अवक्ष्य है। दो प्रकार के अवक्ष होंगे यहाँ पे देखें, एक तो जो बाजार में वस्तुएं निर्मित है वो भी खाने होंगे नहीं, और ऊपर से आलू का चार तो वो तो और कक्षा कहती होंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अवक्ष की कैटेगरी में आता है। अवक्ष किसे कहते हैं वो आगे अपन समझ। ये अवक्ष क्या होता है मेरी तो समझ में नहीं आता। पाठशाला में पंडित जी कहते हैं यही नहीं खाना चाहिए, वह नहीं खाना चाहिए। औषधालय में वैद्य कहते हैं यही नहीं खाना, वह नहीं खाना। अपने को तो कुछ पसंद है, जो मन में आए सो खाओ और मौज से रहो। यहाँ देखो वहां बंदिश ही बंदिश है। डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर कहने लगता है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। मंदिर में आते हैं, पाठशाला में आते हैं तो वहां पे गुरु जी कहते हैं कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, कि मुझे तो एक भी पसंद नहीं है। अपनी जो सीधी सी फिलॉसफी है, जो पसंद आए वो खाओ, जो पसंद नहीं आए वो मत। देखो, यानि जो खाने योग्य सो अभक्ष्य और जो खाने योग्य नहीं सो अभक्ष्य। कि यदि किसी वस्तु को सेवन करने से मना किया जा रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है जिस वजह से उस वस्तु के सेवन करने को मना किया जा रहा है। कि जो वस्तु खानी होगी है वो अवश्य है, और जो वस्तु खानी होगी ना हो वो अवश्य है। भक्ष्य वस्तुओं को खाने पे तो रोक टोक तय, कि जो खाना है वो खाओ, लेकिन जो खानी होगी नहीं है कि उसका सेवन तो ना करें। कि यही तो कहते हैं कि अपनी आत्मा इतनी पवित्र बनाओ कि उसमें अवश्य खाने का भाव आवेगी। ये बंदिश हमें तब तक बंदिश करती है कि जब तक हमारे अंदर वो अवश्य भक्षण करने का भाव रहता है। यदि वो भाव चला जाए, यदि इतनी पवित्रता अपने अंदर में आ जाए तो फिर वो आलू की चाट सामने भी रखती जाए तो उसको सेवन करने का भाव नहीं आता। यदि पंडित जी कहते हैं कि अवश्य का भक्षण मत करो तो तुम्हारे हित की ही कहते, क्योंकि अवश्य खाने से और खाने से खाने के भाव से आत्मा का पतन होता है। आत्मा का पतन कैसे होता है? ये जो अवक्ष्य पदार्थ है वो हिंसात्मक होते हैं, हिंसा के बिना वो अवक्ष्य पदार्थों का सेवन संभव नहीं। तो हिंसा के माध्यम से आत्मा का उद्धार होता है या पतन? हिंसा पुण्य रूप कार्य है या पाप रूप कार्य है? कभी धर्म की तो मैं प्रश्न खड़ा नहीं कर रहा हूं कि वो धर्म है या नहीं। पुण्य पाप में भी विचार किया जाए तो हिंसा पुण्य है या पाप है? हाँ, ये पाप है। और पाप से जीव की ऊर्ध्व गति होती है या नीच गति होती है? कि नीच गति माने अवश्य भक्षण आत्मा के पतन का कारण है।
कि अवश्य भक्षण का सेवन करने से आत्मा का पतन हो। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखें तो जो अवश्य पदार्थों का सेवन है वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। माने सब प्रकार से देखें तो अवश्य भक्षण सेवन करने योग्य नहीं। तो प्रश्न करते हैं कि तो कौन कौन से पदार्थ अवश्य है कि जिन पदार्थों के खाने से दृश्य जीवों का घात होता हो या बहुत से स्थावर जीवों का घात होता हो तथा जो पदार्थ भले पुरुषों के सेवन करने योग्य ना हो या नशा कारक अथवा अस्वास्थ्य कारक हो वे सब अवश्य। इन अवश्यों को पांच भागों में बांटा गया। ये जो पूरे पैराग्राफ में चर्चा आई है कितने प्रकार के अवश्य यहाँ पे गए हैं कि जिसमें दृश्य जीवों का घात होता हो या स्थावर जीवों का घात होता हो या जो भले पुरुषों से के द्वारा सेवन करने योग्य ना हो, नशा कारक हो, अस्वास्थ्य कारक हो, वे सब अवक्ष। इन अवक्षों को पांच भागों में बांटा गया। कौन कौन से है? त्रस्त घात, बहु घात, अनुपसेवित, नशा कारक और अनिष्ट कारक। ये पांच प्रकार के अवक्ष होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पांच प्रकार के? त्रस्तघात, बहुघात, अनुपसेव्य और ये पांच प्रकार के अवश्य। अब ऊपर के पैराग्राफ से अपन मैच करते हुए चलें। सबसे पहला, जिन पदार्थों के खाने से त्रस्त जीवों का घात होता है उसे क्या कहते हैं? त्रस्त घात कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? दूसरी पंक्ति, बहुत से स्थावर जीवों का घात होता हो उसे क्या कहते हैं? बहु घात कहते हैं। तथा जो पदार्थ भले पुरुषों के सेवन करने योग्य ना हो उन्हें क्या कहते हैं? अनुपसेव है। और जो नशा कारक हो उन्हें नशा कारक अवश्य कहते हैं। और जो अस्वास्थ्य कारक हो उन्हें अनिष्ट कारक अवश्य कहते हैं। इस प्रकार पांच प्रकार के अवश्य कहे गए। देखिए, जिन पदार्थों के खाने से त्रस्त जीवों का घात हो उन्हें त्रस्त घात कहते हैं। जैसे पंच नंबर पर इनके मध्य में अनेक सूक्ष्म स्थूल त्रस्त जीव पाए जाते हैं, इन्हें कभी नहीं खाना चाहिए। माने जिन पदार्थों के सेवन करने से त्रस्त जीवों का घात होता हो वह सब त्रस्त घात की कैटेगरी में आता है। पहले हमने तीन मकार की चर्चा की, जो उनमें से दो मकार हैं मध्य और मांस और मधु, तो जो मधु और मांस है वो किस कैटेगरी में आएंगे? अच्छा, मैं प्रश्न ऐसे पूछूं कि जो मध्य मांस और मधु है ये कौन कौन सी कैटेगरी में आएंगे? मध्य मास और मधु, ऐसा नहीं जरूरी नहीं है कि एक पदार्थ एक ही कैटेगरी में हो, वो बहुत सारी कैटेगरी में आ सकते हैं। जैसे मध्य शराब तो उसमें त्रस्त जीवों का भी घात हो, क्योंकि जब वो बनाई जाती है तो सड़ा गलाकर बनाई जाती है, तो सड़ाने गलाने की जो प्रक्रिया है उसमें अनेकों त्रस्त जीवों का घात भी होता है, वो त्रस्त घात के अंदर भी है। स्थावर जीवों का घात तो उसमें निरंतर हो ही रहा है, तो बहु घात भी है और नशा उत्पन्न करने वाला है, इसलिए नशा कारक है और भले पुरुषों द्वारा सेवन करने योग्य नहीं है, इसलिए अनुप सेव्य है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए अनिष्ट है। पांचों अवश्य का दोष वो एक पदार्थ में, ऐसे ही मांस में देखो तो मांस में भी त्रस्त जीव के घात के बिना तो संभव ही नहीं है, तो त्रस्त घात
जो बहु घात माने स्थावर जीवों का घात भी उसमें निरंतर होता है। जिस समय जीव उस अवस्था में से निकल गए तो दृश्य जीवों की उत्पत्ति तो उसमें होती ही है और बहुत से स्थावर जीवों की उत्पत्ति भी उसमें होती है, तो बहु घात के अंदर भी वह आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार एक ही प्रकार का अवक्ष वो बहुत सी कैटेगरी में ही आ सकता है। ठीक है, ऐसे ही मधु, तो मधु में भी हमने पढ़ा था मधु जो शहद वो कैसे बनता है, कि मधुमक्खियों के छत्ते से बनता है, तो उसमें बहुत सी जो मधुमक्खियां है वो उसी में मर जाती है, जल जाती है, तो इसलिए दृश्य घात है। बहु घात भी है, भले पुरुषों द्वारा सेवन करने योग्य नहीं है, इसलिए अनुप सेव्य भी है। ठीक है, चलिए, जिन पदार्थों के खाने से दृश्य जीवों का घात होता हो उन्हें दृश्य घात कहते हैं। जैसे पंच उदंबर फल है, उनके मध्य में अनेक सूक्ष्म दृश्य जीव पाए जाते हैं, इन्हें कभी नहीं खाना चाहिए। जिन पदार्थों के खाने से बहुत अनंत स्थावर जीवों का घात होता हो उन्हें बहु घात कहते हैं। समस्त कंदमूल जैसे आलू, गाजर, मूली, शकरकंद, लहसुन, प्याज आदि पदार्थों में अनंत स्थावर निमोदिया जीव रहते हैं, इनके खाने से अनंत जीवों का घात होता है, अतः इन्हें भी नहीं खाना चाहिए। ये बहु घात माने जिनमें अनंत स्थावर जीवों का घात होता हो, तो जो कंदमूल है जैसे आलू, प्याज आदि है, लहसुन है, गाजर, मूली आदि है, इनमें अनंत स्थावर जीव पाए जाते हैं। माने वो आलू में भी एक सुई चुबाई है और उसकी नोक पे कितने जीव है, कि अनंत अनंत जीव वो मात्र उस नोक पे होते हैं। अभी पूरे आलू की चर्चा नहीं है, माने मात्र उस आलू में एक सुई चुबाई है और उस सुई की नोक पे कितने जीव है, अनंत जीव है, वो पूरे आलू में कितने जीव है। बिल्कुल अनंत सिद्ध भगवान अभी तक अनादि काल से आज तक हो चुके, तो उतने जीव तो मात्र उस मुख पे उतने सी मुख पे है, पूरे आलू में कितने जीव होते हैं, अनंत अनंत स्थावर जीव वो एक उसमें एक पदार्थ में होते हैं। तो जितने भी कंदमूल आदि है उन सभी में बहुत स्थावर जीवों की उत्पत्ति निरंतर होती है, इसलिए उनका सेवन करने योग्य नहीं। तो फिर आपका प्रश्न हो सकता है कि जो फसलों के माध्यम से हमें भोजन प्राप्त होता है वो भी तो स्थावर जीव है, फिर उनका सेवन क्यों करते हैं, क्या उसमें घात नहीं होता है? तो ये मांस की चर्चा थी ना, ये तो बहु घात है, बहु घात और मांस में अंतर है। मांस तो तब कहलाएगा जब दृश्य जीवों की हिंसा हो, या तो बहु घात की चर्चा यहाँ पे दृश्य जीवों की हिंसा तो नहीं, या तो स्थावर जीवों की हिंसा की बात चल रही है, एक इंद्रिय जीवों की हिंसा की बात चल रही है। माने वास्तव में देखा जाए तो खाने योग्य तो कोई भी पदार्थ नहीं। जिनवाणी में भी भक्ष्य की चर्चा नहीं की, ये पदार्थ खाने योग्य है और ये पदार्थ इसको अपन खा सकते, माने इस तरह चर्चा नहीं आई। क्या चर्चा आई है कि इतने पदार्थ अवश्य है, ये पदार्थ सेवन करने योग्य नहीं, माने क्या क्या अवश्य है उनकी चर्चा निर्वाणी में आई। तो फिर हम कुछ भी नहीं खाए क्या, कि समस्या यही है कि यदि नहीं खाएंगे तो जीवन कैसे चलेगा। तो जीवन के लिए भक्षण करना खाना एक अनिवार्य नियम है, तो फिर किसका भक्षण करें, जिसमें कम हिंसा होती हो कि ऐसे पदार्थों का सेवन करें। फसल आदि की उत्पत्ति में भी हिंसा होती है, वो भी स्थावर जीव, लेकिन जब एक बार वो पक जाते हैं और उस फल को यदि निकाल लिया जाए तो
फिर उससे स्थावर जीवों की उत्पत्ति होना बंद हो जाए। जैसे पत्ते ही होते यदि वो टूट जाए तो सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि हम उनमें वो जीवों की उत्पत्ति होना बंद हो गई। माने वो ऐसे पदार्थ है जो स्थावर तो है लेकिन एक बार यदि वो टूट जाए पत जाए तो फिर उनमें स्थावर जीवों की उत्पत्ति होना बंद हो जाती है। या संख्या अपेक्षा देखा जाए तो उनमें कम स्थावर जीव पाए जाते हैं। तो हिंसा तो सभी में है, सबसे वो अच्छा कार्य तो ये है कि कुछ भी ना खाना पड़े, सबसे उत्कृष्ट कार्य तो यही। लेकिन वर्तमान में संसार दशा में संभव नहीं, सेवन तो करना ही, तो ऐसे पदार्थों का सेवन किया जाए जिनमें हिंसा कम होती हो। और ऐसा भी नहीं कि उन पदार्थों में कृतता हो, इसलिए एकासन आदि उपवास आदि रस परित्याग की जो चर्चा चलती है वो क्यों चर्चा है? ये जो भोजन है ये भोजन भी करनी योग्य नहीं है। ये मत समझना कि जो भक्षण भक्ष्य पदार्थ कहे गए हैं वो वास्तव में भक्ष्य हो, कि वो भी वास्तव में छोड़नी योग्य ही है, उनमें भी हिंसा तो होती ही है, भले किसी में ज्यादा हो और किसी में कम। तो इसलिए उसके प्रति वृद्धता छुड़ाने के लिए व्रत आदि का नियम दिलाया जाता है, उपास आदि होते हैं, एकासन होता है, रस परित्याग होते हैं, कि उनके प्रति वृद्धता ना हो। उस भोजन के प्रति भी ऐसा नहीं कि ये तो अच्छी चीजें सेवन करनी हो गया, तो उसके प्रति भी त्याग की बुद्धि हो कि ये भी सेवन करनी योग्य तो नहीं, ये मजबूरी है जो इनका सेवन करना पड़ रहा है, लेकिन करने योग्य हो ऐसा नहीं। तो जिन पदार्थों के खाने से बहुत स्थावर जीवों का घात होता हो उन्हें बहुघात कहते हैं। इसमें एक और प्रश्न खड़ा किया जाता है कि जो स्थावर जीव है कि वो तो जो निकोदिया जीव है वो एक समय में 8-10 बार 18 बार जन्म मरण करते हैं, तो उनको हम क्या मार रहे हैं? जितनी देर में हम वो आलू को टच भी करते हैं उतनी देर में तो वो 18 बार जन्म मरण भी कर लेते हैं, वो तो अपनी योग्यता से मर रहे हैं ना। फिर मैं आलू खाऊं उसमें क्या दोष है? वो तो अपनी योग्यता से निरंतर मर रहे, मेरे मारने से ना मर रहे हैं। दादा इसमें एक प्रश्न अक्सर उठाया करते थे कि अगर आपके घर को हॉस्पिटल बना दिया जाए जहाँ बच्चे पैदा होते हैं, ऐसा हॉस्पिटल आपके घर को बना दिया जाए और शमशान घाट भी आपके घर को बना दिया जाए तो वो आपको स्वीकार हो? कि आपको स्वीकार होगा कि आपके घर में ही वो शमशान के कार्य भी हो, वो हॉस्पिटल के भी सारे कार्य हो, क्यों स्वीकार नहीं हो? कि भाई हमारा घर वो पवित्र स्थान है, शमशान से आते हैं तो भी घर आके पहले नहाते हैं, हॉस्पिटल से भी आते हैं तो वहां से आकर के भी पहले नहाते हैं, माने वो घर हमारा पवित्र स्थान है। ऐसे ही ये जो मुख है वो भी तो एक हमारा पवित्र स्थान है, कि उसको अनंत जीवों का वो हॉस्पिटल बना करके और अनंत जीवों का शमशान घाट बना करके हम उसको अपवित्र क्यों करना चाहते हैं? जो निरंतर अनंत जीवों की उत्पत्ति वो हमारे मुख में हो, हमारे पेट में हो और उनका घात हो, कि ऐसा कार्य हम क्यों करना चाहते हैं? हमारी महा अपवित्र पदार्थ है जिनमें अनंत अनंत जीवों की मृत्यु, उनका घात निरंतर होता है, अनंत जीवों की निरंतर उसमें उत्पत्ति होती है और अनंत जीवों का निरंतर उसमें घात। दूसरी बात ये है कि ये बात सच है कि आपके मारने से वो जीव मरने वाले नहीं, वो तो अपनी योग्यता से जितनी देर में आप उसको पकड़ोगे उतनी देर में तो अनंत बार वो जन्म मरण धारण कर लेंगे, लेकिन उनके प्रति जो अदया का भाव है कि वो वास्तव में पाप बंध का कारण है, उनके प्रति जो करुणा का नहीं होना है कि वो अनंत जीवों का घात हो रहा है,
ये जानते हुए भी उस वस्तु के सेवन करने का जो भाव है कि वो वास्तव में पाप बंध का कारण है, माने हमारे जो परिणाम इतने क्रूर हो गए हैं कि थोड़े से स्वाद के लिए, थोड़ी सी भूख मिटाने के लिए हम ऐसे पदार्थों का सेवन भी करना उचित मान लेते हैं जिनमें अनंत जीवों का घात हो रहा है। तो इसका मतलब परिणाम अभी बहुत क्रूर है, हिंसामय परिणाम, और ऐसे परिणामों से आत्मा में उपयोग कराना संभव नहीं है, इसलिए अवक्ष की कैटेगरी में है। ठीक है, त्रस जीव के घात में तो प्रत्यक्ष हमें दिखाई देता है कि त्रस जीवों का घात हो रहा है, लेकिन बहु घात में तो स्वयं ही निरंतर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, तो मन में एक प्रश्न हमारे उत्पन्न होता है कि उसमें दोष क्या है, वो तो स्वयं ही जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। तो मुख्य दोष ये है कि उनके प्रति जो अकरुणा का भाव है, जो दया का भाव नहीं है, कि वो मुख्य रूप से वहां के बंध का कारण है। ये जानते हुए भी कि अनंत जीव उस आदि में पाए जाते हैं, उन कर्ण भूमि में पाए जाते हैं, फिर भी उनका सेवन यदि हम करते हैं तो इसका मतलब उन अनंत जीवों के प्रति वो दया का भाव नहीं है, उन अनंत जीवों के प्रति हिंसा के परिणाम। तो पदार्थों में अनंत स्थावर निगोदिया जीव रहते हैं, इनके खाने से अनंत जीवों का घात होता है, अतः इन्हें भी नहीं खाना चाहिए। और अनुप से भी क्या, जिनका सेवन उत्तम पुरुष बुरा समझे वे लोक निंदित पदार्थ ही अनुपसेव्य है, जैसे लाल मल मूत्र आदि पदार्थ। अनुपसेव्य पदार्थों का सेवन लोक निंद होने से तीव्र राग के बिना नहीं हो सकता, अतः वह भी अवश्य है। ये अनुपसेव्य पदार्थ ऐसा पदार्थ है जहां त्रस घात या बहुघात से मतलब उसका संबंध नहीं है, भले ही कोई ऐसा पदार्थ हो जिसमें त्रस घात भी ना होता हो, बहुघात भी ना हो, लेकिन यदि सज्जन लोग उसका सेवन करना उचित ना समझे और फिर भी यदि हम उसका सेवन करें तो वो तीव्र राग के बिना संभव नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई पदार्थ हो उसको सेवन करने की बहुत इच्छा हो, कोई देख तो नहीं रहा, छुप छुपा के वो सेवन करने का भाव होता है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पता नहीं चलना चाहिए इसका मतलब कि जिस पदार्थ का सेवन जगत में सज्जन लोग मुझे नहीं समझते हैं कि ऐसे पदार्थों का सेवन करना कि वह अनुपसेवी की कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि ऐसे पदार्थों का सेवन तीव्र राग के बिना संभव नहीं है, जहाँ निरंतर हमें डर है कि कोई देख तो नहीं लेगा, या जिसमें लोक में भी निंदा होती है कोई ऐसे पदार्थों का सेवन करे तो तीव्र राग के बिना संभव नहीं है, और जहां तीव्र राग है कि वहां आत्मा में उपयोग स्थिर नहीं हो सकता है, इसलिए अनुप सेव्य भी अवक्ष की कैटेगरी है। वो सज्जन लोक का अर्थ क्या, जिसका सेवन सज्जन लोग पूरा समझे लोक निंद पदार्थ हो तो सज्जन लोग कौन है, ये जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है हमारे मुनिराज है वो सज्जन है। ठीक है, तो वो जिसका सेवन बुरा समझे तो उसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। और नशा कारक क्या है, जो वस्तुएं नशा बढ़ाने वाली उन्हें नशा कारक अवक्ष कहते हैं, जैसे शराब अफीम भांग गांजा तंबाकू आदि, अतः इनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। अष्टमूल गुणों में भी हमने देखा कि मध्य त्याग माने जो नशा कारक पदार्थ है उनका त्याग होना, ये सामान्य सदाचार है जैनों का कि नशा कारक पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, इसकी विस्तार से चर्चा हमने पिछले पाठ में की थी अष्टमूल गुण बारे में, कि एक तो इनकी जो उत्पत्ति है वो बहुत हिंसात्मक है, जो बनाने की प्रक्रिया है उसमें अनंत जीवों का घात होता है, दूसरी बात सेवन करने पर वो जीव की स्थिति कैसी हो जाती है कि पागलों जैसी स्थिति हो जाती है,
जैसे पागल को कुछ नहीं पता होता है, कुछ भी पकता है, कुछ भी कहता है, ऐसे ही जो नशा कारक पदार्थों का सेवन करते हैं उनकी स्थिति भी ऐसी हो जाती है। अपना घर का ही अपना पता नहीं, कौन माता है, कौन पिता है, कौन पत्नी है, किससे कैसे बात करनी चाहिए, जो विवेक है वो पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। और जिसको बाहर में भी सामान्य विवेक ना हो तो जीव और अजीव का विवेक रख सकता है, स्वतः भेद विज्ञान कर सकता है, तत्व का निर्णय कर सकता है कि नहीं कर सकता है। वो अपनी आत्मा से दूर ले जाने वाले पदार्थ है। तो जो वस्तु नशा बढ़ाने वाली वे सभी सेवन करने योग्य नहीं। तथा जो वस्तु अनिष्ट अर्थात हानिकारक हो वह भी अवश्य, क्योंकि नुकसान करने वाली चीज को जानते हुए भी खाने का भाव अति तीव्र राग भाव के बिना नहीं होता, अतः वह त्याग करने योग्य। अनिष्ट कारक अवश्य माने जो अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, माने भले ही भक्ष्य पदार्थ हो लेकिन यदि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो वो सेवन करनी होंगे नहीं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो तो सेवन करनी होंगे क्यों नहीं, क्या हो जाएगा उसे? कि जो पदार्थ प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है कि इससे मेरा स्वास्थ्य बिगड़ेगा लेकिन फिर भी उसको खाने का भाव हो तो इसका मतलब उस भोजन के प्रति तीव्र भाव है। किसी को डायबिटीज हो और फिर भी मीठा खाने का भाव हो तो इसका मतलब मीठे के प्रति तीव्र राग है। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष आहित होता हुआ दिखाई दे रहा है, डॉक्टर ने भी कहा है कि बिल्कुल भी मीठा नहीं खाना है लेकिन फिर भी यदि वो मीठे खाने का भाव है तो इसका मतलब अंदर में उस वस्तु के प्रति तीव्र राग है। और ये राग अपने लिए हितकारक है या अहितकारक है? आत्मा के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या बुरा है? कि अपने स्वास्थ्य के लिए बुरा है। ये बाहर के पदार्थ तो भले ही शरीर के स्वास्थ्य के लिए बुरे हैं लेकिन उस वस्तु के प्रति जो तीव्र राग है वो अपने आत्म स्वास्थ्य के लिए बुरा है। और कितना बुरा है कि इतना बुरा है कि इसका फल नरक निगो होने वाला है, चारों गतियों में भ्रमण होने वाला है, इतना बुरा है। माने हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो जो पदार्थ शरीर के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो तो उनका सेवन भी नहीं करना। दूसरी बात, आत्म साधना के लिए उस शरीर का स्वस्थ होना भी आवश्यक है। मुनिराज ने आहार क्यों लेते? मुनिराजों ने तो पांचों पापों का त्याग कर दिया है, शरीर से भी हमें कोई संबंध नहीं, फिर भी वो आहार ग्रहण क्यों करते? क्योंकि यदि शरीर नहीं होगा तो फिर आत्म साधना कैसे हो? यदि शरीर में रोग हो जाएगा तो आत्म साधना में विघ्न होगा। तो मुनिराजों के आहार करने का प्रयोजन भी ये नहीं है कि पेट भरना है, मुनिराजों के आहार करने का प्रयोजन ये है कि वो आत्म साधना करें। तो आत्म साधना करने के लिए वो भोजन करना पड़ता है। इसी तरह जो श्रावक है वे भी भोजन करते हैं लेकिन उस भोजन के प्रति राग हो ये करने योग्य कार्य नहीं। वो भोजन इसलिए करना पड़ रहा है ताकि शरीर हमारा साथ दे सके, टिका रहे, चलता रहे, इसलिए वो भोजन है लेकिन उस भोजन के प्रति राग वो तो छोड़ने योग्य ही है, राग करने योग्य नहीं। इसलिए वो उपवास किया जाता है, एकासन किया जाता है, रसों का त्याग किया जाता है। हमें लगता है कि ये तो बहुत ढकोसला है कि वो सोमवार को इस रस का त्याग कर दिया, गुरुवार को इस रस का त्याग कर दिया, क्या हो जाएगा? तो रस का त्याग इसलिए है कि उस रस के प्रति राग हो। किसी व्यक्ति को मीठा खाना बहुत पसंद हो और आज यदि वो नियम ले रहे कि आज मैं मीठे का सेवन नहीं करूं तो इसका मतलब उस वस्तु के प्रति वो राग कम हुआ, वो प्रैक्टिस है कि उन वस्तुओं के प्रति राग
ना बढ़े। ये बुद्धि पूर्वक हमारा प्रयास है कि भोजन तो करना ही पड़ रहा है, मजबूरी है, लेकिन भोजन के प्रति राग ना बढ़े ये हमारी जिम्मेदारी है। दोनों बातें समझ में आ रही, भोजन करना मजबूरी है लेकिन भोजन के प्रति राग नहीं करना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए उनके प्रति राग हटाने का उपाय किया जाए। और अनिष्टकारक पदार्थ ऐसे पदार्थ है कि जो बिना तीव्र राग के संभव नहीं है। किसी को सर्दी जुकाम हो और ठंडे पानी पीने की इच्छा करे, आइसक्रीम खाने की बात करे, यदि बाजार की नहीं घर की शुद्ध बनाई हुई भी आइसक्रीम हो, एकदम शुद्ध दूध से बनाई हो, तो भी वो अवश्य क्यों अवश्य है, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे ही भले एकदम शुद्ध पदार्थ हो लेकिन यदि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो वो भी अवश्य की कैटेगरी में आता है। और ये पांचों अवश्य एक साथ लिए गए हैं, इसका मतलब जितना अवश्य वो आलू का सेवन करना है उतना ही अवश्य ये अनिष्टकारक पदार्थ भी है। सब वो तो एकदम शुद्ध वस्तु है ना, वो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने से अवश्य ही है, क्योंकि अवश्य का निर्णय कैसे, इन अवश्य पदार्थों को छुड़ाने का प्रयोजन क्या है, कि उन वस्तुओं के प्रति तीव्र जो राग है वो दूर हो। दृश्य घात है कि जहाँ प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि जीवों का घात होता है लेकिन फिर भी उसको खाने का भाव हो तो अवक्ष है। क्यों अवक्ष है, क्योंकि वो तीव्र राग है, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि अनंत जीवों का घात है, प्रत्यक्ष दृश्य घात में तो वेदना दिखाई दे रही है उस जीव की, लेकिन फिर भी यदि खाने का भाव है इसका मतलब वो तीव्र राग है। ऐसी बहुघात में, नशा कारक में, अनुत्सेव में, अनिष्ट कारक अवक्ष में, उन सब में एक कॉमन क्या है, वो तीव्र राग है उस वस्तु के प्रति। और अवश्य भक्षण अवश्य पदार्थों के त्याग का प्रयोजन क्या है, कि उन वस्तु के प्रति जो तीव्र राग है वो छूटे, और तीव्र राग तो ना छूटे तो फिर उन पदार्थों को छोड़ने का क्या प्रयोजन है, माने उनकी सार्थकता क्या निकली है। माने प्रयोजन ये है कि उन पदार्थों के प्रति जो तीव्र राग है, जो तीव्र आसक्ति है कि वो छूटे, क्योंकि जब तक पर पदार्थों के प्रति आसक्ति नहीं छूटेगी तब तक आत्मा में रुचि नहीं बढ़ेगी। इस उपदेश ग्रंथ में बहुत सुंदर श्लोक है, माने वो दो युगल है, उनका सार इतना है कि जैसे जैसे आत्मा में रुचि बढ़ती जाती है वैसे वैसे विषयों में, पांच इंद्रियों के विषयों में रुचि घटती चली जाती है, और जैसे जैसे पांच इंद्रियों के विषयों में रुचि घटती चली जाती है वैसे वैसे आत्मा में रुचि बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ बुद्धि पूर्वक ये हमारा कर्तव्य है कि जो भोजन सामग्री है, माने भक्ष्य वक्ष का विचार क्यों किया जा रहा है, क्योंकि एक तो जो जिह्वा रसना इंद्रिय है वो तो रसना इंद्रिय पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, सब पता तो है लेकिन क्या करें मन नहीं मानता है। पता तो है चाय पीना अच्छी बात नहीं है लेकिन क्या करें मन नहीं मानता। तो ये जो रसना इंद्रिय है उसमें काबू करना, जो पिछले पांच इंद्रिय वाला पाठ पढ़ा वो रसना पांच इंद्रियों पे विजय प्राप्त करनी है। विजय प्राप्त करने का अर्थ क्या, कि रसना इंद्रिय पे विजय कैसे प्राप्त होगी, वो अवश्य भक्षण का त्याग करनी होगी, क्योंकि रसना इंद्रिय तो आपको ऑर्डर देगी कि भाई इस पदार्थ का सेवन करना है, यदि तुम्हें मालूम नहीं उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, एक बार चक्कर तो देखो कि वो शहद कितना मीठा होता है, एक बार चखोगे तो फिर खाते ही रह जाओ। रसना इंद्रिय तो ऑर्डर आपको देने वाली, वो तो लालच देने वाली, लेकिन ये विचार हमें करना है, ये विवेक हमारे अंदर जागृत करना है कि कौन से पदार्थ भक्षण करने योग्य है और कौन से पदार्थ भक्षण करने योग्य नहीं। ये कोई ढकोसला नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि परंपरा से चली आ रही है रूढ़ी बात हो, ये साइंटिफिक बात है। माने
दिक्कत ये है कि जब तक डॉक्टर मना नहीं कर दे तब तक वो हम मानते नहीं। और एक बार डॉक्टर मना कर दे यहाँ आओ ये खाली होगी नहीं है, यहाँ आओ शराब नहीं पीनी है, अब नशा नहीं करना है, अब पानी छान कर पीना है, उबाल कर पीना है, इंजीनियर भगवान ने कहा है तो ढकोसला लगता है कि क्या हो जाएगा पानी उबालने से, क्या हो जाएगा इतनी साफ सफाई करने से। और वही बात डॉक्टर यदि कहे रामदेव बाबा कह दो रामदेव की नहीं मानेंगे तो रामदेव की डॉक्टर की माननी पड़ेगी। इसलिए उनसे पहले अच्छा है कि जिन्हें भगवान की आज्ञा को हम मानो। और आज्ञा क्या ये तो उन्होंने हमें स्वयं विचार करने की इतनी बुद्धि हमें दी है, ये तत्व ज्ञान हमें दिया है। श्रावक वही है कि जो श्रद्धावान हो लेकिन साथ में विवेकवान भी हो, श्रद्धा भी विवेक पूर्वक करना। ये नहीं कहा जा रहा कि इसमें लिखा है इसलिए आप उसको माने, आप अपने तर्क पे विचार कर अपने लॉजिक पे विचार करें और फिर उसका विवेक पूर्वक श्रद्धान करें और उसका क्रियावान माने, उसको अपनी क्रिया में लाए। चलिए।